हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर न्यू वीडियो। आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। अगेन आई एम बैक ऑन द बाइक आफ्टर मेनी डेज, और मैं जा रहा हूँ एक शॉर्ट सी सिंपल सी राइड पे। मैं फेब्रुवरी में कोस्टल रूट करने वाला था महाराष्ट्र का, लेकिन नहीं हो पाया। आज भी मैं कोस्टल एरिया में ही जा रहा हूँ थोड़ा। आई एम गोइंग टू कोरलई बीच। बेसिकली कोरलई फोर्ट भी है, तो अभी मालूम नहीं चालू रहेगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं। अगर चालू रहेगा तो उधर भी जाके आऊँगा, या तो फिर बीच पे जाके सनसेट एंजॉय करके रिटर्न आ जाऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल में मुझे भराना है पेट्रोल। इट्स 3:42 राइट नाउ, और यहाँ से मुझे 2 से 2.5 घंटा लगने वाला है। मतलब मैं प्रॉपर सनसेट के टाइम पे पहुँचने वाला हूँ। इसके पहले मैं कोरलई सिर्फ एक बार गया था, और जब वहाँ पे सनसेट देखा था तो दिल खुश हो गया था। लाइक एकदम साइलेंट बीच है, एकदम साइलेंट जगह पे हम लोग बैठे थे। उस टाइम पे मेरे साथ अनिल सर थे, श्रेयस था, और इस बार मैं अकेला जा रहा था। इवन मेरा और अजिंक्य का लास्ट टाइम प्लान बना था, लेकिन टाइम की वजह से ही हमको रिटर्न आना पड़ा। तो हम लोग मांडवा गए थे, उसका भी मैंने वीडियो डाला है, वो भी आप जाके इसके बाद देख सकते हो। तो मांडवा का भी जो बीच है वो काफ़ी क्लीन है, काफ़ी साइलेंट है, कोई क्राउड नहीं रहती है, एकदम मस्त है, चिल करने के लिए सही जगह है। अभी सीन ऐसा है कि M2M फेरी लेके मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे जितना टाइम मुंबई पहुँचने के लिए लगेगा उतने टाइम में तो मैं यहाँ से मांडवा पहुँच रहा हूँ, फिर मतलब ही नहीं है M2M फेरी का मेरे लिए कुछ। जो खतरनाक वाला विंड ब्लास्ट लग रहा है ना चारों ओर से, आहा, ओके, कनेक्टेड टू अलीबाग रोड। यहाँ से आप सीधा गोवा भी जा सकते हो, लेकिन ये रोड से गोवा जाना इज लिटिल बिट हेक्टिक। इसके लिए लोग ज़्यादातर पुणे साइड से प्रीफर करते हैं। It's 4:10 राइट नाउ, एंड मैंने मैप अभी तक देखा नहीं है। जैसे ही वड़कल आएगा वहाँ से मुझे लेफ्ट लेके फिर राइट लेना है अलीबाग के लिए। ओके, थोड़ा सा हम लोग अभी यूट्यूब की बात करते हैं। जब मैंने इस साल में फर्स्ट वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बोला था कि ये साल में मुझे बहुत कुछ नया ट्राई करना है, नया वे ट्राई करना है यूट्यूब चैनल ग्रो करने का एंड ऑल, तो उस पर मैं काम करते रहूँगा। एंड मैं मतलब यूट्यूब पे इस साल में कह सकते कि सबसे लोवेस्ट मेरा ग्राफ है व्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि उस वीडियो को 70 व्यूज़ है, फिर पुणे का जो डाला था ऑलमोस्ट 125 व्यूज़ रहेंगे, उसके बाद जो मैंने पुणे पार्ट 2 डाला था फ्लॉप डे इन पुणे, उसको तो 30 व्यूज़ है। मतलब मेरे 700 सब्सक्राइबर है, एंड आई स्वेयर कि मैंने एक भी सब्सक्राइबर ऐसा ख़रीदा नहीं है, जो बोलते हैं ना कि किसी साइट पे जाके ख़रीदा होगा या फिर परचेस किया, नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं कभी भी लोगों को चैनल के बारे में बताता हूँ ना, तो पहले यही बोलता हूँ कि चैनल देखो मेरा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियोस देखो, नहीं तो कुछ भी मतलब नहीं है। और 750 में से अगर मुझे 30 व्यूज़ आ रहे हैं ना, तो एक पॉइंट पर ऐसे लगता है यार छोड़ दूँ यूट्यूब। फिर सेकेंड थाट ऐसे आता है कि यार चालू हमने इसके लिए नहीं किया है कि अगर व्यूज़ ही नहीं आएंगे तो मैं बीच में ही छोड़ दूँगा, मेहनत करते रहूँगा मैं, मेरा काम है अच्छे अच्छे वीडियोस पोस्ट करना। बट कई तो ऐसे यार डीमोटिवेट फील होता है, एक सब्सक्राइबर भी मेरा जाता है ना, लाइक अभी रिसेंटली ये राइड से पहले ही मैंने जब देखा तो 769 सब्सक्राइबर थे, एंड कल जब देखा मैंने तो 767 हो गया, फिर से एक सब्सक्राइबर बढ़ा यानी 768 हुआ। तो एक एक जब कम होता है ना तो समझ में नहीं आता यार क्या करूं मैं अभी। मतलब मैं कंटिन्यूस रिसर्च शुरू रख रहा हूँ इस चीज़ पे कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे और तभी लोगों ने जब देखे थे तो उस टाइम के वीडियोस सीरियसली इसके सामने कुछ भी नहीं थे, जितना मैं अभी कर रहा हूँ एडिटिंग स्टोरी टेलिंग या वो या जो भी। मैं अभी के वीडियोज़ को कंपेयर करूँ तो पहले के वीडियोज़ में दम नहीं है बिल्कुल, मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज़।
लेकिन कंपैरेटिवली मैं आज जो वीडियो, ये वीडियो हो या इसके पहले वाले कुछ वीडियोस है, अमरावती सीरीज हुई, मुझे खुद के वीडियोस देख के भी एक मोटिवेशन आ रहा है वीडियोस बनाने का कि यार कहाँ से कहाँ तक आया हूँ और हमें और आगे कितना अच्छा ग्रो करना है, ये मेरे दिमाग में हमेशा चलते आता है। इसके लिए फिर मैं मेहनत तो करते रहूँगा। बहुत लोग हैं जो बोलते हैं ये सब क्यों कर रहा है, चुपचाप जॉब कर, ये कर, लेकिन यार इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर जिस काम में इंटरेस्ट है वही करूँगा। बुरा लगता है बहुत, लेकिन यस करूँगा। एनीवेज मैं इमोशंस में बह गया था थोड़ा, बट फोकस करते राइड पे, अप एंड डाउन चलता रहता है, करियर हो लाइफ हो, बट मेहनत करते रहना अपना काम है बस। बाय द वे सन अच्छा खासा ऊपर है अभी तक, तो सनसेट को टाइम है, 6:30 बजे सनसेट होता है, तब तक तो मैं कोरलई पहुंच जाऊंगा। एंड आशा करता हूँ कि इसके आगे वाले भी रास्ते अच्छे हो, क्योंकि वडखल का जो मैंने पैच देखा वो अच्छा बना दिया है अभी, तो बोलते ही ख़राब पैच आ गया। अरे 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 अरे, 4-5 किलो धूल जमने वाली है मेरे शरीर पर अभी। दिस ब्यूटिफुल व्यू, एंड जो सामने है ये वाला, ये कोरलई फोर्ट है मोस्ट प्रोबेबली। रोड के एग्जैक्ट साइड में समुंदर है। एक्चुअली इतना भी पानी नहीं देखा है मैंने इस सीजन में, लेकिन आज बहुत दिख रहा है। ओके फाइनली कोरलई फोर्ट, कोरलई किला, कोरलई है वो, नॉट कोरलई काका। कोरलई किला उघडा असेल आता, आणि मागे ते लाईट हाऊसला पण जायला आहे, लाईट अच्छा तिथूनच मागूनच जाऊ, मग लाईट हाऊस वरून मागे जाऊ शकतो ना वर। हा धन्यवाद, हा हा चालेल। और यहाँ पे स्पेशली आई डोंट नो कौन से टाइप की मच्छी रहती है, लेकिन मच्छी का बहुत बास आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे वो बिजनेस है एंड सब वही है। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो, माय गॉड दिस इज सो डेंजरस फॉर मी। अभी ये देख लो, मुझे जाना है ऊपर, ऊपर मैं आगे लाइट हाउस है वहाँ पे बाइक लगा के मैं बैठने वाला हूँ, बट यहाँ पे मैं एक शॉट ट्राई करने वाला हूँ। जो मैंने स्टिक लाई है उसका कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। देखो कैसा है, एक ही कैमरा होने का एक ये डिसएडवांटेज है कि बार बार निकालो कैमरा, फिर उसको ये कवर लगाओ, फिर माउंट पे जब लगाना रहेगा हेलमेट के तो ये कवर निकालो अंदर डालो, घूम ना जाए, ये टेंशन रहता है। ओके स्पेशली सनसेट के लिए आया हूँ मैं, चलो एंगल चेंज। कोरलई किला, इस किले का निर्माण पुर्तगालियों ने 1521 में किया था। ये वो समय था जब उन्होंने मसाला व्यापार के लिए भारत के पश्चिमी भागों में प्रवेश किया और यहाँ अपने कारखाने लगाने की इच्छा जताई। वो अहमदनगर सुल्तानत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ गए और वहाँ एक विशाल किला निर्माण करने की अनुमति ली। ये किला सन 1739 से 1818 तक मराठा साम्राज्य के अधीन रहा। किले को देखने से ही एक व्यक्ति को अद्भुत अनुभव मिलता है, लेकिन इसके अलावा यदि आप फोटोग्राफर हैं या इतिहास प्रेमी हैं तो किला निश्चित रूप से आपकी प्यास बुझाने वाला है। कोरलई किला मुंबई से बाय रोड 120 किलोमीटर और अलीबाग से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप मुंबई से मांडवा तक फेरी से आ सकते हैं और आगे किले तक का सफ़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं। ये जो है ये फोर्ट की वॉल्स है, गेट तो बंद है, मुझे अंकल ने जो बोला था पीछे गेट खुला है तो वो तो बंद है,
बट और एक एंट्री है सामने से, नेक्स्ट टाइम कभी अगर आऊँगा तो ज़रूर ट्राई करूँगा जाने का। ये साइड में अगर जितना जितना आप जाओगे तो हरिहरेश्वर, फिर मुरुड़, ये सब एरियाज है। ये व्यू के लिए कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं करता है। आप अगर यहाँ पे आके एंजॉय करो, ये व्यू देखो, तो आपको और भी अच्छा लगेगा, सीरियसली। ओके, सो टाइम टू एंड दिस वीडियो। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आके या फिर कहीं पे भी आप शांत जगह जाते हो ना, पूरी बॉडी रीसेट हो जाती है। मतलब मेरे साथ तो ऐसी होता है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ या फिर कभी मतलब दिमाग हिल जाता है, तो उसके बाद जब इस जगह पे ऐसे जगह पे आता हूँ ना, मैं पूरा फ्रेश हो जाता हूँ एंड पूरे एनर्जी के साथ फिर से काम करने की इच्छा होती है। और एक बात ऐसी भी कहना चाहूँगा कि आज मैंने लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट देखा है। सिर्फ आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है मुंबई साइड में या फिर लाइक अर्बन एरियाज़ में, कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी भी आप देखो तो ऊपर शेड्स है लेकिन सन दिखेगा नहीं, तो प्रॉपर जो सनसेट होता है ना, लाइक कंप्लीट पानी के पीछे जाता हुआ जो फोटोज़ हम लोग देखते हैं, वैसा सनसेट देखने के लिए एक बार जाना है। तो वो जगह एक प्रॉपर ढूंढ के अच्छी सी जहाँ पे कम पॉल्यूशन रहेगा वहाँ पे जाना है एंड वो भी देखना है। इंस्टा पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे डेली अपडेट्स रहते हैं। अभी व्लॉग करके कुछ मतलब नहीं है जाते समय, क्योंकि अंधेरा भी रहेगा और सेकेंड मतलब माउंट भी टूट गया है तो कैमरा प्लेस नहीं होगा बराबर, वाइब्रेशंस की वजह से कैमरा गिरेगा, वो सब नहीं चाहिए। इसके लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी पॉजिटिव एंड कीप गोइंग।